चंपारण क्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक प्रणव कुमार प्रवीण और बेतिया पुलिस अधीक्षक उपेंद्र नाथ वर्मा ने कल देर रात्रि मझौलिया थाना का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थाने के अधिकारियों को आवश्यक और उचित दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान मझौलिया थाना में थाना अध्यक्ष अशोक कुमार के द्वारा जो सबसे बड़ी गलती देखी गई वह गश्ती थी। गश्ती जो होती है वह लगातार की जानी चाहिए, डिटेक्टिव टाइप की गश्ती की जानी चाहिए जिससे अपराध पर लगाम लगाया जा सके, लेकिन डिटेक्टिव टाइप की गश्ती मझौलिया थाना के द्वारा नहीं देखी गई, जिस कारण पुलिस उप महानिरीक्षक चंपारण रेंज प्रणव कुमार प्रवीण ने मझौलिया थाना अध्यक्ष अशोक कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। कल जो मझौलिया थाना का निरीक्षण किया गया है आपके और पुलिस अधीक्षक के द्वारा, उसके बारे में सविस्तृत बताया जाए। कल हम औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे थे थाना, लगभग 11:30 बजे वहां पहुंचे और उस समय ओटी पदाधिकारी थे वहां, थाना अध्यक्ष को बुलाया गया, वो भी उपस्थित हुए, बाकी पदाधिकारी भी जो थाना में थे उन लोगों को भी उपस्थित होने का निर्देश दिया गया, वहां के अभिलेखों को देखा गया, कई अभिलेखों का अवलोकन किया और उसमें जो छोटी मोटी गलती थी या और सुधार होने की ज़रूरत थी उस पर निर्देश दिए गए। लेकिन इसी दौरान जो मेन त्रुटियां मुझे दिखी उसमें एक तो ये है कि जो गश्ती हो रही है थाना क्षेत्र में, तो अभी गश्ती पर बहुत बल दिया गया और जो है भी आवश्यक है क्राइम प्रिवेंशन के लिए, गश्ती बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो गश्ती में गाड़ियां जा भी रही हैं, पदाधिकारी जा भी रहे हैं, लेकिन जितना डेडिकेटेड टाइप की गश्ती होनी चाहिए उसका थोड़ा अभाव दिखा, थोड़ा डाइल्यूटेड लगा कि लोग गश्ती में और भी कुछ काम लेकर जाते हैं, अपना जांच वगैरह करते हैं, तो उससे गश्ती थोड़ा प्रभावित मुझे दिखी, तो उसे ठीक करने का भी निर्देश दिया गया है। इसके अतिरिक्त वहाँ 4 नए सब इंस्पेक्टर्स ट्रेनिंग ले रहे हैं, प्रोबेशन में हैं, तो ये उम्मीद की जाती है कि एक सीनियर इंस्पेक्टर के यहाँ अगर दिया गया है प्रोबेशनर्स को तो उनको अच्छी ट्रेनिंग दी जाए, वो अच्छे पदाधिकारी बनकर आगे बढ़ें। इसमें इसका अभाव दिखा मुझे, ये भी जो उन लोगों का टेस्ट मैंने किया तो मुझे लगा कि ये अप टू मार्क ट्रेनिंग नहीं हो रही है। और जो सबसे बड़ी त्रुटि आई गई वो यही था कि स्टेशन डायरी वहाँ का 63 घंटे से अधिक समय से लंबित था, तो ये सबसे बड़ी गंभीर त्रुटि ये पाई गई और इसी कारण उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।